दोस्तों, अगर आप भगवान शिव को अपना पिता मानते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो दोस्तों ये काले धतूरे का फल है। इस प्रकार से हमारी वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, बहुत ही सुंदर फल है। इसके अंदर में छोटे छोटे बीज होते हैं। आज मैं आप लोगों को इसी के दुर्लभ एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपको करना क्या है, पूरा जरूर देखना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। हर दिन की तरह कहना चाहूंगा, हमेशा वनस्पति की जानकारी आगे हमें काम आती रहे। कभी कभी हम कुछ ऐसी जगहों में फंस जाते हैं जहां पे हमें मेडिकल में मिलने वाली दवाएं कभी कभी दूर दूर तक नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसे में हमें वहां पर इस प्रकार के पेड़ पौधे आयुर्वेदिक की जानकारी हमें बहुत काम आती है। दोस्तों, काले धतूरे की जड़ के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी अवगत करा चुका हूं, जो कि शनि की पीड़ा दूर करने के लिए, राहु एवं केतु की पीड़ा दूर करने के लिए रामबाण की तरह काम आती है। दोस्तों, भूत प्रेत जिन आदि बाधा को भी दूर करने के लिए आप जो है ये काला धतूरा है, आप इसके बीज का प्रयोग कर सकते हैं। मैं वीडियो के बीच में इसके बारे में विस्तार से जानकारी बताऊंगा। क्या आपके यहाँ भी काले धतूरे के पौधे पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, इतना हमें जरूर बताना कि जो ये हमारे वीडियो में देख सकते हैं धतूरे के पौधे, जैसे कि ये काले कलर के हैं, कोई भी आपके यहाँ पाए जाने वाले धतूरे हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बिल्कुल ही कमेंट में लिख करके हमें बताना। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें प्रकृति माता को बार बार नमस्कार करना चाहिए, बार बार धन्यवाद करना चाहिए, जो कि इस तरह के अमूल्य पेड़ पौधे आज भी भारत भूमि में उगते हैं, फ्री में बिल्कुल ही गिफ्ट की तरह हमें ये उपहार में दिए हैं। दोस्तों, जो ये काला धतूरा है, ये विषैले जीव जंतु का काल है। कैसा भी विषैला जीव जंतु हो, उसे ये क्षण भर में नष्ट करने का काम करते हैं, और ये हर प्रकार के आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। मैं जो जानकारी बता रहा हूँ, जो अभी आप लोगों को प्रयोग बताऊंगा, मैं कोई हवा हवाई प्रयोग नहीं बताऊंगा, गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान ही बताऊंगा। दोस्तों, हमारे गुरु भी जिस प्रकार समाज में धर्म कल्याण के लिए पेड़ पौधों की जानकारी बता रहे हैं, लोगों को, जो जन साधारण लोग हैं, उनको पेड़ पौधों से परिचित करा रहे हैं। कई प्रकार के जो बीमारी में पेड़ पौधों से फ्री में उपचार कर रहे हैं। दोस्तों, यही मैं आप लोगों को लाभ अपनी वीडियो के माध्यम से भी फ्री में बताने का प्रयास करता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल में जो जुड़े हुए लोग हैं, पेड़ पौधों की जानकारी सीखने के लिए जुड़े हैं, इसलिए मैं आप लोगों को डेली एक एक वीडियो पेड़ पौधों के संबंध में जरूर बताऊंगा, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के जो नॉलेजेबल वीडियो हैं आपको मिलते रहें। इस प्रकार की जो जानकारी है निरंतर आपको आगे फायदा पहुंचाती रहे। तो चलिए, मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा, फिर इसका धार्मिक एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, आयुर्वेद में दांत के दर्द को दूर करने के लिए रामबाण दवा है। दांत के दर्द को इसके माध्यम से किस प्रकार ठीक होता है, थोड़ा वीडियो रोक रोक कर या फिर स्क्रिप्ट में जो जानकारी बता रहा हूँ, इसे कहीं पर लिख करके रख लीजिए, ये आगे आपको बहुत काम आएगी। कैसा भी दांत दर्द हो रहा हो, डॉक्टरी दवा से ठीक नहीं हो पा रहा हो, आप मसाला दांत में भरबा भरबा कर थक चुके हैं, लेकिन दांत का पेन अर्थात दांत की पीड़ा दूर नहीं हो पा रही है, आप परेशान हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आगे आखिर करें तो क्या करें, ऐसा समय आ गया है कि आपको दांत तोड़वाना पड़ जाए, तो दांत तोड़वाना नहीं है, एक बार ये दवा प्रयोग करके देखिए, लाभ नहीं मिलेगा तब बाद में आगे चलकर के जो करना है कर सकते हैं। तो दांत दर्द दूर करने के लिए केवल इसके दो बीज को, इसके फल से जो सूखा बीज निकलेगा, उसके दो बीज को पीस करके जहाँ पे जिस हिस्से में आपको दांत दर्द हो रहा हो, अत्यधिक पीड़ा हो रही हो, उस हिस्से में लगाइए। बिल्कुल दोस्तों, दो दिनों के भीतर में आपको कैसा भी दांत दर्द हो, ये दांत दर्द को जड़ से समाप्त कर देगा। आपके दांत में पायरिया है, कीड़े हैं, उसे जड़ से समाप्त कर देगा और आपके दांत को मजबूत बना देगा। और एक सावधानी ये है कि इसके अत्यधिक बीज का प्रयोग नहीं करना है, केवल दिन में एक ही बार इसके दो बीज का प्रयोग करना है। आपको सुबह बिना मुंह धोए हुए जब आप सोकर उठेंगे, बिना पानी से मुंह कुल्ला किए हुए ये प्रयोग करना है। इसके दो बीज को पीस करके जिस हिस्से में दर्द हो रहा है वहाँ पे लगाना है, और इसके अत्यधिक बीज का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा ये हानिकारक होता है। दोस्तों, इसके बाद
लकबा की बीमारी की रामबाण दबा है, जैसे कि किसी का लकबा ग्रस्त अंग है काम करना बंद कर चुका है और वो लोग चाहते हैं उनका लकबा ग्रस्त अंग फिर से काम करना शुरू कर दे। मुंह के लकबा को छोड़ करके ये बाकी लकबा में काम करता है। तो इसके बीच का निकला हुआ तेल या फिर दोस्तों इसके बीच को सरसों के तेल में डाल करके आप पका सकते हैं और इस तेल को आपको लकबा ग्रस्त अंग पर 15 मिनट तक मालिश करना होता है। तो धीरे धीरे जो लकबा ग्रस्त अंग होता है फिर से जो अंग है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करेंगे लेकिन ये रिकवर कर देता है। ये लकबा ग्रस्त अंग पर ये पुनः खून दौड़ाने का काम करते हैं, जिससे लकबा ग्रस्त अंग काम करना शुरू कर देगा। बिच्छू डंक मारने पर क्या करें? दोस्तों अधिकतर गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, किसी भी हिस्से में रहते हो, बिच्छू का डंक लोगों को बहुत पीड़ा देता है। अगर किसी को बिच्छू डंक मार दे तो ऐसे व्यक्ति का जीना बेहाल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के सिर से काफी पानी की तरह पसीना निकलने लगता है, हाल बेहाल हो जाता है, क्या करे कुछ भी समझ में नहीं आता है। बहुत से लोग तो झाड़ फूक के चक्कर में भी रहते हैं। तो भैया ऐसी जगह में फंसे हैं जहाँ पे मेडिकल में मिलने वाली दवा सुलभ नहीं हो पा रही है, तो जो है धतूरे का आप प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसके बीज को पीस करके, धतूरे का जो फल है इसके सूखे बीज को पीस करके जहाँ पे बिच्छू ने डंक मारा हो वहाँ पे बांधना होता है, तत्काल लाभ मिलता है। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 मिनट के भीतर में आराम मिलना शुरू हो जाता है और मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। बिच्छू का जो डंग है, जो जहर होता है, उसे ये जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं। 3 बार आप इसे बांध सकते हैं। दोस्तों सर्प दंत दूर करने में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन ये जानकारी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आप जो है दोस्तों ना करें तो ही ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद घाव से कीड़े मारने के लिए, अगर आपके घर में मवेशी हैं, पशु हैं, या फिर आपका घाव सूख नहीं पा रहा है, तो इसके बीज को पीस करके या फिर इसके पत्ते का रस निकाल करके घाव पर छिड़कने से या फिर घाव पर इसके पत्ते को पीस करके बांधने से घाव के कीड़े मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चलिए, आप लोगों को जो बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतजार रहता है इसके तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक लाभ, वो मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों इसके जो तांत्रिक लाभ हैं बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जबरदस्त हैं। मैं आप लोगों को जिस तरह जो ये काले धतूरे की जड़ है इसके बारे में फायदा बता चुका हूँ, मैं आप लोगों को अब इसके बीज के फायदे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो शनिवार के दिन इसके थोड़े से बीज और थोड़ी सी धूप या फिर लोबान, शनिवार के दिन इसके थोड़े से बीज आपको लेना है। धूप ले लीजिए या फिर लोबान ले लीजिए, दोनों में से एक चीज आपको लेना है और इन दोनों को मिलाकर के घर में इसका धुआं दिखाना है। तो दोस्तों इसका धुआं दिखाने से घर से भूत प्रेत चुड़ैल जितनी भी नकारात्मक शक्तियां आपके घर में भी होती हैं वो सब भाग जाती हैं। बस शनिवार के दिन इसका धुआं दिखाना होता है। दोस्तों इसके तेल से सम्मोहन सिद्धि प्रयोग किया जाता है, जो कि समाज में बताना अनुचित है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों इसी के साथ इसके बीज की जली राख खाने से पागलपन ठीक होता है। अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो कि तंत्र क्रिया के कारण पागल हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए रामबाण की तरह काम करता है। पर यह प्रयोग करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेद के चिकित्सक या ज्योतिष की सलाह या फिर तंत्रिकों की सलाह जरूर लेना चाहिए। दोस्तों इसके बीज की जली राख खाने से थोड़ी थोड़ी मात्रा में पागलपन ठीक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसकी जली राख खाने से नींद आती है। इसके साथ इसके बीज और सफेद चंदन का तिलक लगाने से इसके बीज को पीस लीजिए और सफेद चंदन में मिला लीजिए, अच्छी तरीके से घुटाई करके इसका लेप बना लीजिए, चंदन बना लीजिए, और इस चंदन को अगर आप अपने मस्तक पर इस तिलक को लगाते हैं तो जो भी व्यक्ति जिसे भी आप देखेंगे वो आपके वशीभूत हो जाता है, आपके अनुरूप ही कार्य करता है। अब चलिए मैं आप लोगों को इसके धार्मिक प्रयोग बता दूं, क्योंकि धार्मिक प्रयोग भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों इसके पौधे पर अर्थात काले धतूरे के पौधे पर जल देने से अकाल मृत्यु टल जाती है। किस प्रकार की अकाल मृत्यु टलती है? जैसे कि काल सर्प दोष लगा हो या फिर किसी भी प्रकार का भयंकर दोष लगा हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो इस प्रकार के भयंकर दोषों को दूर करने के लिए पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, त्रिदोष है, किसी भी प्रकार का आपको दोष लगा हो उस दोष को दूर करने के लिए इसके पौधे पर जल देने से, इसकी जड़ पर जल डालने से अकाल मृत्यु की जो समस्या रहती है मनुष्य की वो समाप्त हो जाती है, यानी जड़ से खत्म हो जाती है, टल जाती है। दोस्तों इसका गुप्त एवं तांत्रिक एवं जबरदस्त धार्मिक प्रयोग बता रहा हूँ, वो ये है कि इसके 21 साबुत एवं स्वच्छ बीज लेने हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर इसे
ओम नमः शिवाय बोलते हुए बारी बारी से 21 बार एक एक बीच करके आपको भगवान भोले शंकर को चढ़ाना है, तो इससे शीघ्र आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। और ये मैं आपको जो जानकारी बता रहा हूँ वो कोई हवा हवाई बात नहीं बता रहा हूँ। प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जो लोग प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं उन्हें सब पता होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि काले धतूरे के बारे में जो दिव्य अलौकिक एवं तांत्रिक चमत्कारिक एवं आयुर्वेदिक प्रयोग बताया हूँ, ये प्रयोग आपके जीवन में लाभकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की और भी आगे आगे आपको जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं काल भी आपका कुछ न कर पाए, आपके साथ कोई दुर्घटना न हो, धन की वर्षा हो आपके ऊपर, घर में गरीबी परेशानी न आए, तो एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगा दें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कालों के भी काल महाकाल हैं और देवों के भी देव महादेव हैं, तो भला आपका कोई क्या बिगाड़ लेगा।